तो इसमें मोबाइल रिकवरी में कुल 1 करोड़ रुपए के करीब 350 के आसपास मोबाइल बरामद हुए हैं और करीब 75 लाख रुपए की मोटरसाइकिल बरामद कर करके पब्लिक को दी गई है। और अब चलेंगे मारवाड़ी बाजार तक और आप लोग चाहेंगे तो मैं भी आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग आगे आगे चलेंगे इस अभियान को लेते हुए, मैं पीछे रहूँगा सपोर्ट में सिर्फ आपके, ताकि लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्या आप करेंगे ऐसा? आप समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी जिले में बेहतर कानून व्यवस्था बहाल करने के साथ साथ पुलिस की छवि को बेहतर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में एसपी विनय कुमार तिवारी ने आज समाहरणालय सभागार में मिशन अरुणोदय की शुरुआत की। इस मिशन के तहत पुलिस के द्वारा लोगों की जनवरी 23 से अब तक चोरी और लूटी गई बाइक एवं मोबाइल बरामद कर उनके धारकों को सौंपा है। मोबाइल और बाइक बरामदगी के लिए एसपी के द्वारा 5-5 टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने इस अभियान के छठे चरण में लगभग 16,05,000 रुपए मूल्य के 52 मोबाइल और 26 लाख रुपए मूल्य के 22 मोटरसाइकिल बरामद कर उनके धारकों को सुपुर्द कर दिया है। इस संबंध में एसपी विनय तिवारी का कहना है, मोबाइल तथा बाइक चोरी, छिनतई और लूट की घटना को देखते हुए उनके बरामदगी के लिए 5 अलग अलग टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा पूर्व में 5 चरण में कार्रवाई करते हुए मोबाइल और बाइक बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस के द्वारा अब तक 1 करोड़ रुपए मूल्य के 333 मोबाइल फोन और 75 लाख रुपए मूल्य के 55 बाइक बरामद कर उनके धारकों को सौंपा गया है। एसपी विनय तिवारी का कहना है, मिशन अरुणोदय अभियान के लिए एक महिला समेत 4 आम लोगों को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो इस अभियान को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर पुलिस के द्वारा किए जा रहे अभियान के लिए लोगों के बीच जागरूक करेंगे एवं लोगों को पुलिस के द्वारा किए जा रहे प्रयासों में जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। हम लोगों ने मोबाइल रिकवरी टीम और मोटरसाइकिल रिकवरी टीम का एक अभियान चलाया था 4 महीने में, इसमें बड़ी अच्छी सफलता मिली थी। उसके बाद इसको वृहद लेवल पर ले जाने के लिए और इस अभियान को एक स्वरूप देने के लिए, इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए इस अभियान का एक उद्देश्य हम लोगों ने रेखांकित किया था। उसके फलस्वरूप पब्लिक से भी और आप लोगों से भी मांगा गया था कि इस अभियान का नाम क्या होना चाहिए, तो अरुणोदय नाम जनता के फीडबैक से हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। और आज 5वें फेज की समाप्ति के बाद, आज 5 फेज हम लोगों के मोटरसाइकिल और मोबाइल रिकवरी के समाप्त हो गए हैं। इसके बाद हम लोगों ने आज मिशन अरुणोदय को लॉन्च किया है और मिशन अरुणोदय 5 मोटरसाइकिल टीम और 5 मोबाइल रिकवरी टीम का ये मिशन रहेगा। इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक मात्रा में मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की जाए और जो हम लोगों के, जिन लोगों को मोबाइल मोटरसाइकिल अब तक रिकवर किए गए हैं, आज उन सब लोगों को बुलाया गया था, उनसे संवाद स्थापित किया गया और उन्हीं लोगों को हम लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इस अभियान का। मिशन अरुणोदय के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं यही लोग हैं, इन्हीं के द्वारा इस मोबाइल रिकवरी टीम को और अभियान को आज लॉन्च किया गया है। इन लोगों के द्वारा शहर में और पूरे ज़िले में इस अभियान को लेकर के जो भी जागृति फैलानी है, वो जागृति फैलाने को लेकर के भी आज कार्रवाई की गई है। और हमारी टीम को भी ये स्पष्ट हुआ है कि किस तरह इस मिशन को अब और तेज़ी से आगे ले जाना है और जितनी भी मात्रा में अभी तक हम लोग बरामदगी कर रहे हैं उससे डबल हम लोगों को 6वें फेज से रिकवरी करनी है। 5वां फेज आज हम लोगों का समाप्त हुआ है। 5वें फेज में कुल 55 मोबाइल बरामद किए गए हैं जो करीब 16.5 लाख के रुपए के मोबाइल थे। इसमें से 4 मोबाइल जो है वो लूट की घटना में प्रयुक्त हुए थे, लूटे गए थे, उनको भी बरामद किया गया है। इन सब मोबाइल रिकवरी टीम के द्वारा जो कार्य किया गया, इसमें गिरफ्तारी भी हुई है और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके पूर्व में भी जेल भेजा जा चुका है और कोर्ट से प्रॉपर आदेश प्राप्त कर करके इसको रिलीज किया गया। सिमिलरली मोटरसाइकिल रिकवरी टीम के द्वारा भी 22 मोटरसाइकिल इस फेज में, 6वें फेज में बरामद की गई हैं और 26 लाख रुपए की ये मोटरसाइकिल रिकवर की गई हैं और 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी मोटरसाइकिल रिकवरी टीम कार्य कर रही हैं। इस बार मोबाइल रिकवरी टीम 1 ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, 17 मोबाइल रिकवर किए, तो मोबाइल रिकवरी टीम 1 को पुरस्कृत किया जाएगा और मोटरसाइकिल रिकवरी टीम 1 ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। 2 टीम हैं जिनको इस बार हम लोगों ने पुरस्कृत किया है और टोटल हम लोग जो अभी तक मिशन अरुणोदय आज लॉन्च कर रहे हैं, तो पिछले 5 महीने से जो 5 फेज हुए हैं, तो इसमें मोबाइल रिकवरी में कुल 1 करोड़ रुपए के करीब 350 के आसपास मोबाइल बरामद हुए हैं और करीब 75 लाख रुपए की मोटरसाइकिल बरामद कर करके पब्लिक को दी गई है। और अब अभियान है, ब्रांड एम्बेसडर हमने इन लोगों को बनाया है, इन लोगों को पैम्फलेट भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि ज़िले में और शहर में सभी लोगों को पता चले कि कितनी टीम और कौन सी टीम के सदस्य कार्य कर रहे हैं। लोग